अल्मोड़ा मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर नैसर्गिक सौंदर्य के देवदारक के घने जंगलों के बीच स्थापित अद्भुत जागेश्वर धाम है, जहां भगवान शिव महामृत्युंजय के रूप में विराजमान हैं। जागेश्वर धाम में 125 मंदिर समूह ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं। पुराणों और मान्यताओं के अनुसार भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्रावण मास में शिव की पूजा अर्चना और अनुष्ठान का विशेष महत्व है और आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ऑनलाइन पूजा की। इस दौरान करीब 30 मिनट की पूजा केशव प्रसाद मौर्य द्वारा की गई। आज सावन का दूसरा सोमवार है। जागेश्वर धाम में कई श्रद्धालुओं के द्वारा सुबह से ही ऑनलाइन पूजाएं करवाई जा रही हैं। यहां पर रुद्राभिषेक, काल सर्वदोष महामृत्युंजय अनुष्ठान और अन्य पूजाएं यहां पर संपन्न हो रही हैं और मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा यहां पर पूजाएं संपन्न करवाई जा रही हैं। आज सुबह जो है यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी यहां पर अनुष्ठान चल रहा है, 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान। वहीं मंदिर के प्रबंधक भगवान भट्ट ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण सावन का मेला नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए भक्तों की ऑनलाइन ही पूजा ली जा रही है। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति और जागेश्वर धाम के समस्त पुजारीगणों मंदिर समूह की उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष कोरोना संकट से जो अभी हमारा देश प्रदेश और पूरा विश्व जूझ रहा है, जल्दी से छुटकारा मिले। और इसी साथ ही मैं आप सभी लोगों को अवगत भी कराना चाहता हूं कि जागेश्वर धाम में अब श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। इस बार मेले को लेकर कोई विशेष तैयारियाँ नहीं की गई हैं, किंतु जो हमारा पार्थिव पूजन वाला जो चलता है, पार्थिव पूजन की यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई है। आज पहला पार्थिव पूजन यहाँ पे यजमान का हो रहा है, साथ ही यहाँ पे मृत्युंजय के जाप हो रहे हैं और अन्य अनुष्ठान यहाँ पे ऑनलाइन विधि के माध्यम से चल रहे हैं, काफ़ी संख्या में हो रहे हैं। दैनिक आधार पर 10 से 15 हमारी पूजा यहाँ पे ऑनलाइन विधि से चालू है। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम की मान्यता और तब बढ़ जाती है जब सावन का महीना होता है और आज सावन के दूसरे सोमवार को मंदिर में विशेष पूजा भक्तों की ऑनलाइन पूजा की जा रही है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भोलेनाथ की ऑनलाइन पूजा अर्चना की। पंजाब केसरी TV के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।